छोड़ तुसी देख रहे जी डी पी न्यूज, मैं मोरे पट्टी। इस वेले आप खड़े हाँ डेरा बाबा नानक सचखंड जी, जिथे अज गुरु पूर्णिमा का जड़ा त्यौहार बड़े धूमधाम मनाया जा रहा वा। साढ़े नाल इस वेले मौजूद ने बाबा अवतार सिंह दे बेदी, सोहनी पीढ़ी अंश वंश गुरु नानक देव जी साढ़े नाल मौजूद ने। आओ उन्हां नाल गलबात करदे हां जी। हाँ जी, गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज बड़ी गुरु नानक साहब महाराज की मेहर हुई है, जो हर महीने की तरह पूर्णमासी का दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया गया है। और ये अज तो नहीं चल रहा, बड़े संत महापुरश 15वीं पीढ़ी के सचखंड वासी बाबा अनूप सिंह जी बेदी साहब जी पासों कई सालों तो, जो मेरे ख्याल लगभग जग तो उन्होंने महाराज की कृपा ने उन्होंने सेवा मिली थी, गद्दी मिली थी, तातों जो कि पूर्णमासी का दिहाड़ा डेरा बाबा नानक सचखंड गुरु नानक स्थान विखे मनाया जाता है। तो उन्हां तो बाद दास 16वीं पीढ़ी बाबा अवतार सिंह बेदी श्री चोला साहब वाले, जिस तरह उन्होंने सेवा निभाते सन गुरु नानक साहब आप कृपा करके, उस तरह ही सेवा कर रहे हैं। तो बड़ी अपार कृपा, अच्छ पूर्णमासी का दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया गया है और संगत हुम हुम आके पहुँचिया ने, क्योंकि ये सारा बाणी का प्रताप है। बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन माना प्रतख गुरु निस्तारे। ये गुरु महाराज ने जो कहा सी, गुरु नानक साहब महाराज ने, ये सारा बाणी का प्रताप है, क्योंकि गुरु नानक साहब जी ने महाराज ने सानू शब्द नाल जोड़िया, शब्द गुर सुरत तुन चेला, कि जदों भी सिख ने जुड़ना है उदों धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी नाल जुड़ना है, क्योंकि बाणी का ही परिवार है। सब सीखने को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। और दास की समूह संगतों को एक मैसेज है, जो संत महापुरश हमेशा कराया करते होंगे सन परिवार के नाते, कहते होंगे सन भई जदों भी सवेरे उठना है, ये परिवारिक बचन ने, कहते होंगे सन जदों भी सवेरे उठना है, उठते सार जिस बैड से सुते होना उस बैड से चौंकड़ा मार लेना, तो घट्टो घट पांच मूल मंत्र साहब जी के पाठ करने ने, एक ओंकार सतनाम करता पुर निरभउ निरवैर अकाल मूर्ति अजूनी साहब वंगुर प्रसाद, तो पांच बार आखना घट्टो घट धन गुरु नानक साहब, धन गुरु नानक साहब, धन गुरु नानक साहब, धन गुरु नानक साहब, फिर धरती से पैर रखना। बाकी जिन्ना भी नेतम करते बहुत चंगा, कि राती वाहेगुरू शब्द का जाप करद नींदर आ जाए। ये दो बचन ने जोड़े ये संत महापुरश हमेशा कराया करते होंगे सन। दास की गुरु महाराज के चरणों से यही अरदास बेनती है कि जो भी संगत दर्शन कर आई हैं गुरु महाराज कृपा कर, गुरु महाराज के चरणों से यही अरदास बेनती है कि समूह संगत अमृत वेले के जागने, अमृत वेले गुरबाणी नाल प्यार बख्शिश कर। इन्ने बचन करते दास फतेह बुलाता है, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। तो सानू इत्थे लियाउण वाले सरदार अवतार सिंह जी मेहता जी, जो सानू मानसा विच मिले, असी पिछले 15 सालों तो बहुत दुखी सी, बहुत सारे डॉक्टर दवाइया लईया, वख वख स्थानों ते भी गए, पर 14-15 साल भटकते रहे, कोई भी साडा हिला नहीं होया। अवतार सिंह मेहता जी सानू डेरा बाबा नानक लेके आए। एक साल पहला असी इत्थे आए तो बाबा जी ने अरदास कीती ते लौंग प्रसाद दिता। बाबा जी ने कहा कि आने वाले एक साल नू तुसी बच्चा लेके इत्थे आओगे, तो बाबा जी की यह जी कृपा हुई। इन्होंने साल कहा सी 11 महीनों के अंदर अंदर साढ़े घर बेटे की खुशी प्राप्त हुई,
तो साडा पूरा परिवार धन धन हो गया। असी बहुत धन्यवादी हैं बाबा जी दे। अज मैं मेरे नाल राकेश कुमार जी ते मिस्टर आशीष कुमार आहूजा एडवोकेट जी नू नाल लेके आया। इन्हां ते भी बाबा जी ने सिर ते अज हत्थ रख्या ते सानू पूरा विश्वास है इन्हां दी भी जो मनोकामना वह पूरी होगी। धन्यवाद जी। पूर्णमासी के शुभ दिन असी मानसा तो साढ़े नाल अवतार जी जिहड़े मानसा तो पहला भी काफ़ी लोगों ने असी सुनिया उरे बाबा जी के इन्हों बख्श पैदा हुई है तो असी भी एहसास नाल उरे पहुंचे हैं कि परमात्मा सब दे भला करे तो सानू उरे आके मन में भी पूरी शांति मिली है तो असं भी रब न आस करते हैं उरे खाली तो सब दी झोलियां भर के जान तो परमात्मा का असी शुक्रगुजार हाँ। तो साडे वीर जी ने तुहानू डिटेल च पहला दस ही चुके हैं तो जो भी आया साडे उत्थे एरिए चो कोई हले तक मतलब खाली नहीं गया परमात्मा की इन्हां दी बाबा जी की फुल कृपा हुई है तो असी ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰਾ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬੱਬਨਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।